नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बड़ा बड़ा दोस्तों, आपका स्वागत है। लॉकडाउन खत्म होने पर रेलवे ने बनाया अगला प्लान, चलेगी ये ट्रेन लेकिन किराए में किया बड़ा बदलाव। दरअसल सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक लॉकडाउन खत्म होने के बाद रेलवे ने कुछ स्पेशल पैसेंजर ट्रेनों को चलाने का प्रस्ताव है। बताया जा रहा है कि ये ट्रेन ग्रीन जोन में चलाई जाएगी। साथ ही ये भी जानकारी मिली है कि इन ट्रेनों में वहीं सफ़र करेगी जिन्हें ज़्यादा ज़रूरत होगी या फिर किसी तरह की इमरजेंसी होगी। लेकिन इसके साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि कंटेनमेंट जोन और हॉटस्पॉट इलाके में कोई यात्री ट्रेन लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी नहीं चलाई जाएगी। जानकारी के मुताबिक कहा जा रहा है कि जो ट्रेन इमरजेंसी में चलाई जाएगी उनका किराया भी बढ़ाया जाएगा। इसके पीछे का कारण यह है कि लोग भीड़ न लगाएं और सिर्फ इमरजेंसी में ही यात्रा करें। साथ ही इसके पहले रेलवे सीनियर सिटीजन दिव्यांगों और छात्रों समेत अन्य के किराए में मिलने वाली छूट को अभी भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि रेलवे की तरफ से अभी भी यह कोशिश की जा रही है कि जब तक भयावह बीमारी पूरी तरह भारत में ख़त्म नहीं हो जाती तब तक बहुत कम लोग यात्रा करें, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पर। बताया जा रहा है कि रेलवे की तरफ से शुरू सिर्फ स्लीपर ट्रेन चलाई जाएगी। बता दें कि अभी एसी कोच और जनरल वाली ट्रेन नहीं चलाया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ट्रेल से मिडिल बर्थ भी हटा दिया जाएगा, यानी अभी सिर्फ वही लोग ट्रेन में यात्रा कर पाएंगे जिनका टिकट पूरी तरह कन्फर्म होगा। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ध्यान रखना होगा। आपको बता दें कि रेलवे ने कोरोना वायरस से निजात पाने के लिए 5000 आइसोलेशन बेड भी बनाए हैं। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।